कैसी चल रही है अब आपकी तैयारी? देखो, जैसे जैसे साल खत्म होता जाता है वैसे वैसे तैयारी का लेवल नीचे आता जाता है। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि कल सही हो जाएगा, इसके बाद सही हो जाएगा, उसके बाद सही हो जाएगा, दिवाली है दिवाली के बाद पढ़ लेंगे, छुट्टियों के बाद कर लेंगे, ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए इसके बाद कर लेंगे, है ना, घर पे ये इशू हो गया है ये इशू खत्म हो जाए तो कर लेंगे, स्कूल में ये लड़ाई झगड़ा हो गया ये खत्म हो जाए इसके बाद पढ़ लेंगे। देखो बात ये है कि कभी भी ये बाद आने वाला नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को लगता है कि टाइम बहुत है, हम लोग लगता है ना कि लाइफ में टाइम बहुत है, कल कर लेंगे, इसके बाद से कर लेंगे, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो कर लेंगे। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। आपको अपनी प्रायोरिटी लाइफ में डिसाइड करनी है। हमेशा हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। तुम सोचोगे कि ये छोटा सा जो भी मैटर है, प्यार मोहब्बत का, लड़ाई झगड़े का, घर पे भाई बहन से जो भी है तुम्हारा, पैसे का, रुपए का, ये प्रॉब्लम खत्म हो तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। जैसे ये प्रॉब्लम खत्म होगी आपका ध्यान किसी और प्रॉब्लम पे लग जाएगा। ठीक है, तो क्या करें सर, प्रॉब्लम है आप तो समझ ही नहीं रहे हैं, आप तो बस ज्ञान दे रहे हैं खड़े होकर कि चलो प्रॉब्लम है तो कर लो। देखो, अगर दौड़ सकते हो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते तो चलो, चल नहीं सकते व्हील चेयर पे बैठ के रेंगो, वो भी नहीं हो सकता जमीन पे बैठ के किसो, वो भी नहीं हो सकता लेट के रोल करो, मतलब हर सिचुएशन में अपना काम करते रहो, तेज धीमे ठीक है, रुकना नहीं चाहिए आपकी पकड़। फिर बोल रहा हूँ, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते व्हील चेयर पे बैठ के आगे बढ़ो, वो नहीं हो सकता जमीन पे बैठ के रगड़ो, वो नहीं हो पा रहा तो लेट के गोल गोल रोल करो। काम होते